संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रशाही कराने का। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रशाही कराने का काम। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रशाही कराने का काम। खबरों की खबर में आज बात कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बोल की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सोमवार को मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। वीडियो में वह कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने को तत्पर रहो। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंद्रशाही कराने का काम। इस मामले में मंगलवार की सुबह 7 बजे पन्ना जिले की पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री को दमोह जिले के हटा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पन्ना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पन्ना जिले के चारों SDOP पवई, अजयगढ़ थाना प्रभारी सहित हटा SDOP वीरेन बहादुर सिंह ने एक साथ पूर्व मंत्री हटा स्थित आवास पर 5:30 बजे पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी है, जिसके उपरांत पटेरिया को पुलिस सुबह 7 बजे पवई ले गई है। हम आपको ये बता दें कि पटेरिया के बयान आने के बाद MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद MP पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूँ। BJP मांग कर रही थी कि पटेरिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पटेरिया के बयान से खुद को किनारे कर लिया था। BJP के पूर्व प्रदेश में पटेरिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, अब पटेरिया सलाखों के पीछे है। राजा पटेरिया का कथित तौर पर जो वीडियो सामने आया है उसमें वे कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का जीवन अब खतरे में है, यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। हालांकि बाद में वे कहते हैं कि इस हत्या का मतलब हार है। राजा पटेरिया ने सफाई में कहा कि वो गांधी की विचारधारा मानने वाले व्यक्ति हैं, इस तरह का कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, बल्कि मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। राजा पटेरिया ने आगे कहा कि उनका मतलब अगले चुनाव में BJP को हराने से था। उन्होंने कहा, यह फ्लो में हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उसने बस यही हिस्सा उठाया है। राजा ने कहा कि ये वीडियो एडिट किया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे बयान को तोड़कर पेश किया गया है। पर अब राजा पटेरिया मुश्किल में आ गए हैं। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।